नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बुरा। दोस्तों, अनियमित दिनचर्या और अत्यधिक काम के दबाव के कारण जब हमारे हाथ पैरों में दर्द थकान जैसी समस्या उत्पन्न हो जाए तो इस समस्या को दूर करने के लिए आज हम आपको मेरु दंडासना को करने का तरीका बताएंगे। दोस्तों मेरु दंडासना एक ऐसा अभ्यास है जिसे करने से हमारे हाथ पैरों में दर्द और थकान जैसी समस्या दूर होती है और हमारा शरीर सक्रिय और ऊर्जावान बनता है। यह अभ्यास को करने से जिन लोगों को अक्सर पैरों में सुन्नता और झुनझुनाहट रहती है वह समस्या भी दूर होती है। आइए देखते हैं कि मेरु दंडासना को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, मेरु दंडासना को करने के लिए सबसे पहले आपने ऐसे ही स्टॉप वॉच की पोजीशन पर ऐसे ही बैठ जाते हैं। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं और इसके फर्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेना है और अपने हाथ की अंगुलियों से ऐसे अपने पैर की अंगूठों को ऐसे पकड़ लेते हैं और सांस अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं और अपने शरीर का समस्त भार आपने अपने हिप्स पर रखना होता है। कम से कम 30 सेकंड फिर 2 मिनट ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं और ऐसे अपने सिर को ऐसे पीछे की तरफ लटका सकते हैं। इस अभ्यास को करने से हमारे पैर के स्नायु की मालिश होती है और यह अभ्यास हमारे संपूर्ण शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को दुरुस्त रखता है। इस अभ्यास को आप सुबह उठकर अपने बिस्तर पर एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कर सकते हैं और फिर इसके बाद ऐसे अपने दोनों पैरों को नीचे कर लेते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद इस मेरु दंडासना की नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने दोस्तों मेरु दंडासना को करने के लिए सबसे पहले आपने ऐसे ही स्टॉप वॉच की पोजीशन पर ऐसे ही बैठ जाते हैं। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं और दोनों पैरों के तलवों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और अपने हाथ की 2 उंगलियों से ऐसे अपने पैरों के अंगूठों को पकड़ लेते हैं और फिर इसके बाद ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे पूरा फैला लेते हैं जितना आप फैला सकते हैं। इस स्थिति में ध्यान रहे आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे और एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम 2 से 5 मिनट आप ऐसे ही होल्ड करके प्रैक्टिस कीजिए। इस अभ्यास को करते समय आपने अपने शरीर का समस्त भार आपने अपने हिप्स पर रखना होता है। दोस्तों, यह बहुत ही सरल और सहज अभ्यास है और इसे सभी वर्ग के व्यक्ति बहुत ही आसानी से और एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह अभ्यास को करने से हमारे संपूर्ण शरीर में ब्लड सर्कुलेशन दुरुस्त रहता है और यह अभ्यास को करने से हाथ पैरों में दर्द थकान जैसी सभी समस्याएं दूर होती हैं। दोस्तों, यह अभ्यास हमारे शरीर में एकाग्रता और संतुलन की शक्ति को बढ़ाता है। जितनी देर आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं होल्ड करके रखें और फिर ऐसे अपने दोनों पैरों के तलवों को ऐसे आपस में मिलाते हुए ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद इस दंडासना पर ऐसे बैठ जाते हैं और फिर आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं और आपने अपने हाथ की उंगलियों से ऐसे पैर के अंगूठों को ऐसे पकड़ लेते हैं और सांस अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं और अपने शरीर का समस्त भार अपने हिप्स पर रखते हुए इस उत्थित हस्त मेरु दंडासना को प्रैक्टिस कीजिए। कम से कम 2 मिनट ऐसे ही होल्ड करके रखें। दोस्तों, जब आप इस अभ्यास को करोगे तो खुद ही फील करोगे कि हमारे शरीर से दर्द थकान जैसी सभी समस्या दूर हो रही हैं। और फिर ऐसे अपने दोनों पैरों को नीचे रख लेते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को भी